शिक्षा निदेशालय ने घोषित किए दिल्ली में 12 फर्जी शिक्षा बोर्ड। जानिए कौन कौन से शिक्षा बोर्ड हैं फर्जी। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में चल रहे 12 फर्जी बोर्ड को लेकर छात्रों और अभिभावकों को आगाह किया है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि नगर में दिल्ली सरकार का कोई राज्य बोर्ड नहीं है। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ही सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को रेगुलेट करता है। इसी के साथ निदेशालय ने यह भी बताया कि वह किसी बोर्ड को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने बताया कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, यहां 3 बोर्ड हैं, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद यानी कि ICSE और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान यानी कि NIOS शामिल हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उन बोर्ड्स की जिन्हें फर्जी घोषित किया गया है। इस लिस्ट में शामिल है उर्दू शिक्षा बोर्ड, ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इनके अलावा भी कुछ बोर्ड्स को फर्जी घोषित किया गया है, जिनमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, स्टेट काउंसिल ऑफ सीनियर सेकेंडरी ओपन एजुकेशन, बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन आदि शामिल किए गए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षा को जीवन का आधार माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने शिक्षा को खेल बना रखा है और कुछ लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना रखा है, जिसके चलते छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है और उनके करियर से भी। इसी के साथ दीजिए देश दुनिया की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।